सबसे पहले मेरी गुरुवार तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णु का सदियों के चरण कमलों में आज अत्यंत सुंदर दिवस है, महाप्रभु अत्यंत घनिष्ठ प्रियजन श्रीवास्तव जी का आशीर्वाद के इसमें श्रीवास जी के जीवन चरित्र तथा उनकी शिक्षा के बारे में हम कुछ प्रकाश करें। श्री सर्वदानंद गोस्वामी अपनी कक्षा में लिखते पंचतत्व आत्मकम कृष्ण भक्त स्वरूपम स्वरूपकम भक्त अवतार भक्तात्म अमी भक्त जब पंचतत्व आत्मा श्री कृष्ण को अर्थात श्री कृष्ण के भक्त स्वरूप भक्त रूप है, भक्त रूप भक्त स्वरूप भक्त अवतार भक्त और भक्त स्वरूप तो मैं प्रणाम करता एक ही अखंड तत्व होकर के स्वयं भगवान पांचों तत्व में ही प्रकाशित। इसी के कहा जाता है अचिंत वेदादि तत्व पंचतत्व आत्मकम कृष्ण भक्त रूपम भक्त स्वरूप भक्त अवतार भक्तात्म नमामि भक्त स्वरूपम सन चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव यानी भक्त रूप अंगीकार करके प्रकटते प्रकटते और भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु के रूप में भक्त अवतार अद्वैत आचार्य यानी महाविष्णु और राशि अद्वैत आचार्य प्रकटित हुए भक्त शक्ति कराधर के कृष्ण सर्वशक्ति राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण चेतन चेता राधा पूर्ण शक्ति का हर कृष्ण पूर्ण शक्तिमान शक्ति शक्ति मतोर दयो अभेद शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं तथापि शास्त्र में भेद अभेद लेकर के विचार प्रदर्शित करा दे इससे कहने पर सर्वराधर कुंडित सर्वदामोदर आदि भक्त शक्ति के रूप में ही प्रकट हुए अशुद्ध भक्त श्रीवास आदि भक्त वस्तु तत्व के अंतर्गत तथाचित अभिन्न शक्ति तत्व है
भक्त और शक्ति के शक्ति में श्री गदाधर श्री स्वरूप दामोदर श्री राजेंद्र आदि के नाम आते हैं, जबकि शुक्र भक्त के संत दास सप्त आदि रसों के श्रीवास आदि भक्त है। अतः श्रीवास पंडित पंचतत्व के अंतर्गत जो पांच तत्व जो बताए, पांच तत्व क्या क्या बताए पांच तत्व क्या क्या बताए अभी तो बताए भक्त लोक भक्त स्वरूप और भक्त अवतार और भक्त शक्ति और शुद्ध भक्त, ये पांच तत्व पंच तत्व आत्मक एक ही तत्व एक ही काम। मैंने कहा था वेदांत सूत्रों में क्या होता है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में पूछा गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया अर्थात तो तत्व जिज्ञासा, तत्व के बारे में बड़ा दर्शन शास्त्र होता है अर्थात तत्व जिज्ञासा। वो तत्व क्या है बदंत तत्व ब्रह्मे की परमात्मा भगवान की सत्य एक ही परतत्व है किंतु तीन रूप में प्रकाशित हो रहे हैं ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ब्रह्म भगवान के अंग कांति कहा जस्व प्रभाव प्रभु जगदंद्र गोविंद आदि जिनकी अंग कांति की छटा से एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड आदि प्रकाशित होते हैं। जस्व प्रभाव प्रभु जगदंद्र कोटि इसमें ब्रह्म शब्द के अर्थ कहा जाता है साधारण रूप में भगवान के अंग कांति। वो अंग कांति की छटा जो है अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की ही प्रकाशित करते हैं। और फिर ब्रह्म शब्द अर्थ कहा जाता है ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से मिले महाप्रभु ये समस्त तत्व विचार सुनाए अर्थात ब्रह्म अर्थात तत्व जिज्ञासा। श्रीमद् भागवत में कहने क्या तत्व जिज्ञासा, तत्व क्या है ब्रह्म तत्व, फिर परमात्मा तत्व समस्त जीवों की हृदय में स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। कम करने ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अंतर्वाही परमात्मा है। इसी प्रसंग में जब बलदेव विद्याभूषण प्रभु भी वर्णन करते हैं मां यशोदा बाल गोपाल को छोटी सी रस्सी के द्वारा उनको कमर में बांध दिए, तो कैसे बांध दिए भगवान तो परमात्मा के रूप में ही सर्वत्र विराजमान है, रस्सी के अंदर भी है बाहर भी है, स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में सर्वत्र ही। गीता में भगवान भी कहते हैं मैं सर्वत्र ही परमात्मा के रूप में रहता हूं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु के कण कण में मैं नहीं रहता हूं। तो कहने की मेरे लिए तात्पर्य है ये परमात्मा तत्व स्वयं भगवान ही परम आत्मा परमात्मा तत्व स्वयं ही साक्षी और स्वयं भगवान साक्षी के रूप में विराजमान जिसे कहा जाए दर्शन करते हैं दृष्टा के रूप में। उपनिषद में अनेक श्लोक
ये तत्व दर्शन हम बता रहे हैं। देहरूपी एक वृक्ष है, इस देहरूपी वृक्ष में दो डाल है, देयर आर टू ब्रांचेस, दो डाल, एक डाल में जीव रूपी पक्षी विराजमान बैठे हुए और एक डाल में परमात्मा रूपी भगवान विराजमान, और दोनों के बीच में एक काले पर्दा डाल दिया गया, वो है माया की पर्दा कहा जाता है। किंतु परमात्मा भगवान जीवों की क्रिया आदि को देख रहे, दर्शन कर, किंतु जीवात्मा परमात्मा को देख नहीं पाते, इसलिए जीवात्मा अपने अपने कर्म फल भोगते जा रही है इस संसार में, जी अपने अपने कर्म आदि भोगते जा रहे हैं। ये तत्व दर्शन, जिस दिन भगवान की इच्छा से वो पर्दा, काली पर्दा यानी माया की पर्दा फट जाए, तब एक दूसरे के दर्शन करते हैं, अर्थात जीवात्मा भगवान के यानी परमात्मा के दर्शन करते हैं। इसी की कहा जाता है भजन एंड साधन। भजन साधन के द्वारा हमारे बीच में जो पर्दा जो है, माया की जो पर्दा कहा जाता है, वो हट जाए, और भगवान और परमात्मा के रूप में साक्षी के रूप में देख रहे हैं, जीव कैसे अपने अपने कर्म पर भोग रहे हैं। ये भगवान कहते हैं अयम साक्षी है, आई एम द विटनेस, सब जीव क्या क्या करते जा रहे हैं सब देख जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीन तत्व मैंने बताया था। भगवान उसी के कहा जाता है जो स्वर्गुण संपन्न होते हैं, स्वर्गुण छह जिसमें बुद्धुरा वही से जो समग्र भी जो दस श्री ज्ञान वैराग्य वसन भगवत इंद्र है, ये स्वर्गुण संपन्न भगवान होते हैं। जीव भगवान से बन नहीं सकते, जीव में इतने शक्ति नहीं है, ऐश्वर्य वीर जस श्री ज्ञान और वैराग्य भगवान में पूर्ण मात्रा में है। जीव में सामान्य रूप में थोड़ी हो जाता है, उसमें जीव कितने अहंकारी हो जाते हैं, और अहंकार के रूप से नीचे गिरा देते हैं, और भगवान परिपूर्ण मात्र में सर्वगुण संपन्न होते हैं। इसमें श्री की प्रधान माना जाता है, और क्या बताएंगे, वैसे जो जस श्री श्री जो है उसे कहा जाता है स्वरूप लक्षण में आया, भगवान में इतने सुंदर जो रूप, वो रूप और किसी में नहीं, जिसे वेदांत के सूत्र में कहा जाता है और उपवत तक प्रधान एवं ही, वेदांत सूत्र में और उपवत जिसके रूपों के साथ किसी रूपों के साथ तुलना नहीं सकते हैं, वो सत्संग संपूर्ण है, उनके सौंदर्य माधुर्य स्वरूपता क्या वर्णन करें। इसलिए चैतन्य चैतन्य जे रूपे एक कौन त्रिभुवन दुबार, जिनकी रूप ऐसे सुंदर है कि कौन जो अनंत को विश्व ब्रह्मांड के रूप में भी अच्छा दिख रहे, कितने सुंदर रूप। इसे वैज्ञानिक शान सुंदर ने 64 गुण की वर्णन करते हुए आचार्य बाद में लिखा, ये ऐश्वर्य ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य जस श्री ज्ञान और वैराग्य। मैंने इसलिए कहा था ये यहाँ पर पंच तत्व के बारे में बताया गया है, और वेदांत में एक ही तत्व में बता रहे हैं, और भागवत में कितने तत्व के बारे में बताया,
तीन तत्व के विभाजन होते हैं, समझ में आया। वेदांत सूत्र में एक तत्व अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल एक ही तत्व ब्रह्म के बारे में पूछा, प्रश्न पूछा है। ज्यादा ब्रह्म तत्व बोलते जाए तो सिर घूमता है, एक एक करके उठ करके चले जाएंगे, मैदान खाली हो जाएगा। मैं इसलिए कह रही यहाँ पर जो कह गई पंच तत्व आत्मकम कृष्ण भक्त रूपम भक्त स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्त नमानी भक्त स्वरूपकम, ये पांच तत्व के बारे में बताया। प्रथम तत्व क्या बता रहे हैं, भक्त रूप स्वयं भगवान भक्त रूप अंगीकार करके प्रकट हुए, बहुत सुंदर के रूप में राजन के भाव कांति लेकर के गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए। भक्त स्वरूप उनके तद्रूप वैभव बलदेव प्रभु यानी नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, और उनकी अवतार भक्त अवतार के रूप में अद्वैत आचार्य जिसको कहा जाता है महाविष्णु और सदाशिव, ये तीनों तत्व विष्णु तत्व है भगवत तत्व है, और बाकी दो तत्व जो है भक्त तत्व बनाया गया। भक्त शक्ति गदाधर भक्त शक्ति के रूप में, और श्रीवास ठाकुर भक्त शुद्ध भक्त के रूप में प्रकाश। यह गदाधर पंडित के बारे में ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं हैं आचार्य उपाध ने लिखा, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथों में गदाधर के श्रीवास ठाकुर के बारे में बताया। श्रीवास ठाकुर सप्त त्रेता द्वापर के सभी युग में भगवान किसी न किसी रूप में सेवा करते रहते। शुद्ध भक्त की तात्पर्य क्या है, भगवान की सेवा अन्ना विलास का सुनन ज्ञान कर्मदान वृद्धम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्तिर उत्तम उत्तम सेवाष्टमी का जो सेवा करना। ये श्रीवास ठाकुर नारद रूप में ही अधिक रूप में भगवान की लीला में सहायता करते रहे, नारद के रूप में, किंतु महापुरुष के लीला में वही नारद ऋषि श्रीवास ठाकुर के रूप में प्रकटित थे। अनेक लीलाएं कथा है, विशेष करके रामलीला में रामायण में तो इनकी अवदान तो क्या वर्णन कर, क्योंकि नारद ऋषि के कार्य क्या है, भगवान की लीला माधुर्य की आगे बढ़ाना उत्कर्षित कराना। लोग कहते हैं नारद ऋषि झगड़ा लगाते हैं, किंतु वास्तव में सत्य नहीं है। नारद ऋषि के काम नहीं है झगड़ा करना। श्रीमद् भागवत प्रकट में भी नारद ऋषि की भी लीलाएं हैं। वास्तव नारद ऋषि रसिक वैष्णव, मूल नारद कौन है, कहते हैं नारद गोपी। हमारे श्री राव विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उज्जैन मुनि ग्रंथ की टीका में लिखते हैं यही नारद ऋषि राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर में कठोर तपस्या आदि करके उन्होंने नारद गोपी भाव को प्राप्त किया। नारद हम जाते हैं नारद जी के स्थान पर जाते हैं, नारद जी की अनेक कथाएं
और लीला में भगवान की हर लीला में नाम ऋषि की भूमिका विशेष है। और महाप्रभु के लीला में वही नारद ऋषि श्रीवास पंडित के रूप में नवद्वीप में आकर गौ पार्षद के रूप से और गौर लीला की पुष्टि की। उनके पिता श्री जलधर पंडित वैदिक ब्राह्मण थे। श्री जलधर पंडित के पांच पुत्र में श्रीवास अथवा श्रीनिवास द्वितीय पुत्र थे। उनके बड़े भाई के नाम नवीन पंडित था तथा छोटे भाई के नाम श्री रामायण पंडित व श्री राम पंडित का रामायण पंडित श्रीपति पंडित और श्रीकांत पंडित अथवा निधि पंडित था। उनके बड़े भाई नवीन पंडित की पुत्री श्रीमती नारायणी देवी थी, जिसकी कथा हम मामगाछी में जाकर वर्णन करते हैं। चैतन्य भागवत की रचयिता वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर ये थे शिवास पंडित के भातुष पुत्री नारायणी, और नारायण के पुत्र थे वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने ऐसे सुंदर चैतन्य भागवत ग्रंथ को जगत में प्रकट कराया। वृंदावन दास ठाकुर कहा जाता है चैतन्य लीला की व्यास को वैसा बता जिसे श्रीमद भागवत कृष्ण दैत्यानंद वेदव्यास ने प्रकाशित किया, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के सारे लीलाओं के वृंदावन दास ठाकुर ने प्रकाशित किया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर के चरण में भूरी भूरी प्रशंसा और प्रणाम भी किया। इतने सुंदर बच्चा है ये चैतन्य चरित ग्रंथ जो है महाप्रभु की लीला चरित ग्रंथ, ये साक्षात महाप्रभु ने उनकी वृंदावन दास ठाकुर के हृदय में प्रकाशित होकर के ग्रंथ प्रकाशित किया। तो यही उनके पिता था वृंदावन दास ठाकुर की माता नारायणी देवी, अर्थात श्रीवास ठाकुर की भातृपुत्री नारायणी महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र। जब नारायणी छोटी थी स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने विशिष्ट प्रसाद नारायण के देते महाप्रभु नारायण के कार्य को नृत्य करो और इतने सुंदर नृत्य भी आदि करो और नारायणी नृत्य प्रत्यह महाप्रभु के लिए गंगा जल लेकर के आदि उससे चेतन महाप्रभु स्नान आदि भी करते। फिर कहीं की तात्पर्य यह है ये श्रीवास्तव के भागवत पुत्री नारायणी देवी महाप्रभु के कैसे कृपा का सिलसिले और उनके ही कृपा से और ये वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए। इसलिए यहां पर भी कहा है श्रीमती नारायणी देवी के सुपुत्र वृंदावन दास ठाकुर ही चैतन्य भागवत के रचयिता थे। श्रीमती नारायणी देवी के पति के नाम वैकुंठ दास पंडित था। किसी की ग्रंथ में कहते हैं उनकी पिताजी के नाम मिराई, जैसे भी हो यहां पर कह रहे हैं श्रीमती नारायणी देवी के पति श्री वैकुंठ दास पंडित था। जब वृंदावन दास के माता जी गर्भ से गर्भ में थे उसी समय उनके पिता सधाम में चले गए। इसमें वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथों में अपने पिताजी के नाम उल्लेख नहीं है। श्रीवास पंडित सिद्धांत
क्या कहेंगे शिवास पंडित अपने पत्नी मालिनी देवी के साथ रात शिवास पंडित श्रीमती मालिनी देवी श्री कृष्ण के स्तनपान करने वाली ब्रज के एक धात्री भी थे। कभी ये मालिनी देवी कौन थे? शिवाजी के पंडित शिवाजी की पत्नी मालिनी देवी। इनके भी चरित्र भी बहुत सुंदर है, जिन्होंने नित्यानंद ब्रह्म विजय साक्षात रूप में अपने स्तन पान कर और उनके पुत्र बाद सेवा करते। इसमें तो बता चैतन्य भागवत में विस्तृत रूप में वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु शिवाज जी के गृहिणी अधिक रूप में ही रहते थे, नाम संकीर्तन आदि करते थे। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पहले सभी भक्त के संकेत दिया कि मैं संन्यास लेकर के यानी नवदीप छोड़ करके मैं चला जाऊं। उस समय समस्त भक्त लोग दुखी थे, चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्त की भी कहने लगे देखो मैं सदा सर्वदा पांचों स्थान पर विराजमान हूं। कौन कौन स्थान पर? सचिर मंदिर आर नित्यानंदने शिवास कीर्तने आर श्री राघव भवन यही चरित्राई प्रभु सदा आविर्भाव प्रेमा प्रेमा कृष्ण भाई प्रभु सहज स्वभाव। चैतन्य चैतन्य वर्णन हो रहा है और किसी ग्रंथ में ऐसे लिखा है ये चैतन्य चैतन्य महाप्रभु पांचों स्थान पर सदा सर्वदा विराजमान राधे सचिव मंदिर सदा सर्वदा मां सचिव सचिव की गृह में महाप्रभु रहेंगे। मातृभक्त शिरोमणि शिशुनंदन गौर नवीष माता के प्रति कितने प्रेम चैतन्य महाप्रभु दिखाए। पिता सर्व पिता पिता ही परम करो पितर ही पिता पत्नी प्रियंत सर्वदेवता पिता प्रसन्न होने पर समस्त देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर शास्त्र भी कहा गया जननी जनहिष्य सर्गादि गणेश इसे चैतन्य महाप्रभु कहने लगे सदा सर्वदा मैं मां शशी जी की गृह में मंदिर में। इस संसार में कौन आपके प्रेम अधिक कर सकते हैं? मां से बड़े भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। यदि आप सब सोचो यदि बुरा भी लगे सच बोलना है यदि मां से कोई अधिक प्रेम करे तो समझना चाहिए वो ठीक नहीं है। उसमें दाल में मां से भी अधिक प्रेम नहीं कर सकते सांसारिक कथा में कह रहा हूं। मां से अधिक प्रेम कौन कर सकते है? गुरु अरे भगवान वो अपराधिक प्रेम है जड़ प्रेम नहीं है, है? इसलिए सचिमा प्रेम है महाप्रभु जहां भी रहे वहीं पर प्रकट हो जाए।
श्रीवास कीर्तन है, श्रीवास ठाकुर जब कीर्तन आदि करते हैं, वहां पर महापुरुष सभा हुई है। श्रीवास जी, श्रीवास जी के घर में महापुरुष सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। और राघव भव भवन राघव पंडित के गृह में है, राघव और उनकी बहन दमयंती है। महाप्रभुपति ऐसे प्रेम प्रति क्या वर्णन करे। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे और ये राघव पंडित और दमयंती महाप्रभु के लिए ना जाने कितने प्रकार के खाद्य सामग्री है, भोजन सामग्री लेकर के जाते हैं, बड़े बड़े वो क्या होते हैं टोकरी है, राघवगिरी झाली का राघवगिरी झाली है, वो भी मजदूर भी रहते उनको सिर पर लेकर जाते पैसा देकर ले जाते हैं। देखो महाप्रभु के एक एक वस्तु के वो कैसे लेकर के जाते थे, इसमें तो वर्णन है। इसलिए महाप्रभु मानो अपने को ही उनको बेच दिया है। छोटी सी देखो महाप्रभु हजम नहीं होता, नींद नहीं आता, बोले इनके क्या हो गया पेट में कुछ बीमार हो गया। इसलिए देखो राघव पंडित और दमयंती क्या करते थे, एक पत्ता होता है जूट लिप जिसे कहा जाता है, पाट पत्ता होता है बंगाल में होता है, पाट होता है पाट में जूट लिप जिसे कहा जाता है जिससे बोरी बनता है, उससे पेड़ होता है उससे पत्ता होता है, वो पत्ता सूख जा सूखा करके फिर उसके रात को पानी में डाल दो और सुबह वो पानी के पीओ तो तुम्हारे सारे पेट के जितने बीमारी है अपने आप बात करते कि सुखता भी बनता है। और ऐसे से छोटे छोटे चीज को लो लेकर के जाते थे। महाप्रभु हाथ में कोई साबुन आदि नहीं लगाते थे, मिट्टी को जो है सुखा करके और उसके पीस करके डस्ट करके फिर उसे कपड़े से सूक्ष्म कपड़े से छान करके फिर उसे छोटे छोटे वो बना लेते थे, गोली बना लेते थे। महाप्रभु के लिए सब कुछ लेकर के जाते एक साल के लिए। और हर रोज महाप्रभु के सेवा गोविंद के कहते थे ये महाप्रभु दिया कि नहीं दिया, महाप्रभु खाया कि नहीं खाया। देखो महाप्रभु के प्रति कितना प्रेम प्रीति है, ये समस्त वर्णन चैतन्य भागवत में है। इसलिए महाप्रभु मानो अपने को ही बेचते। इसलिए कहा महाप्रभु कह रहे राघव बोल राघव मेरी प्रिय, इसलिए यही चारी झाई प्रभु सदा आविर्भाव प्रेमा पुष्ट है प्रभु सहज स्वभाव। महाप्रभु की स्वभाव जो जितने परिमाण भगवान में समर्पित हो जाते हैं सेवा आदि करते हैं भगवान उससे क्या होते हैं अपने ही वो ऋणी हो जाते। कृष्ण गोपियों के लिए किसने कहा न पायन पति जा क्यों कहा गोपी प्रेम की महात्म वर्णन कर। गोपियां जिस प्रकार कृष्ण के प्रति समर्पित आत्मा थी न नौ पारायण निर्वक्तम सर्जन स्वसाध कृत्यूधम साधु जा मां भूजन गृह सिंह संविष्ट प्रति जातु साधु न आप लोगों के ऐसे साधु व्यवहार न हो तो न भविष्य। इसलिए स्वयं कृष्ण के क्या था आप लोग प्रेमी मैं ही ऋणी बन ऋण कैसे चुका मैं किसी से पैसे लिया तो ऋण चुकाना पड़ेगा या नहीं चुकाना पड़ेगा कैसे चुकाएंगे सेवा के द्वारा। इसलिए कृष्ण राहुल के भाव कांति लेकर के
और वही ऋण चुका रहे हैं। इसमें तो समय सनातन गोस्वामी पाए ब्रह्म भागवत ग्रंथों ने वर्णन किया है इसी श्लोक के ऊपर नौ पारायण निबद्धम संयम ससाधिकृत विबोधन साधु विबोधन ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके इतने लंबी आयु प्राप्त करके यदि राहुल के चरण सेवा किया तथापि ऋण से मुक्त नहीं थी इसमें तो बंद साधु कृत बोले कैसे थे साधु के द्वारा इसमें स्वयं कृष्ण साधु रूप में आकर के वो ऋण चुकाए इसमें तो बहुत वर्णन जो है हमारे सनातन गोस्वामी पाद भगवता में तुमने वर्णन किया मेरे कहने की तात्पर्य है देखो राघव पंडित और उनके बहन दमयंती किस प्रकार महाप्रभु की सेवा करते और अभी की कथा महाप्रभु जब विद्या विलास अभी करने लगे उस समय महाप्रभु पंडित को पछाड़ देते थे विखंडित कर देते थे नायक स्थापित कर देते थे हम लोग जब मान जाते हैं भट्टाचार्य की स्थान विद्यानगर में गए थे ना उसमें ही बनना ये नव नायक स्थान था उस समय बड़े बड़े पंडित लोग नए शास्त्र लेकर के आलोचना आदि करते थे महाप्रभु ही कम नहीं थे बड़े बड़े पंडित को भी पछाड़ देते जैसे केशव काश्मीर ऐसे विशाल पंडित और साक्षात विद्या के अधिष्ठात देवी सरस्वती की वरपुत्र थे मैंने साक्षात सरस्वती देवी विद्या के अधिष्ठात देवी जिनकी गले में कंठ में विराजमान हो जाते ऐसे केशव कश्मीर के बीच चैतन्य महाप्रभु ने किया कि बातों बातों में ही उसके पछाड़ दिया शिशु शास्त्र व्याकरण पढ़ाने वाले चैतन्य महाप्रभु और कहां केशव कश्मीर सारे भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े पंडित को पराजित करके अपने जय पताका डंका लेकर का और महाप्रभु वश सामान्य रूप में उनकी प्रश्न आदि के द्वारा उनको पराजित कर आज इतने बड़े आप गंगा के महत्व सुना महत्तम गंगा आया और पंडित जी तो भराधक बोलना शुरू कर दी और अचैतन्य महाप्रभु उसी से एक श्लोक के लेकर के करने इसमें पांच दोष और पांच गुण बिगाड़े इस समस्त वर्णन है देख विद्या विलास महाप्रभु के तो उस समय ये श्रीवास ठाकुर आदि चिंतन कर रहे थे ये निवास यदि भक्त होते है तब उनकी विद्या सफल हो जाए साविद्या तन मतिर जय लोकवत्व लीला कही बोलो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान किंतु जो माया के द्वारा आवृत होकर अच्छा जीव होकर भी श्रीवास ठाकुर आदि से सोच रहे ये चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित इसलिए उस समय तब चैतन्य महाप्रभु के वर्णन हो गए निमाय जब श्रीवास आदि भक्त को देखकर प्रणाम करने की लीला करते थे तो लोग निमाय को कृपा निमाय को कृष्ण भक्ति लाभ उनके आशीर्वाद देते थे भगवान की भी आशीर्वाद देते जैसे नंद महाराज कृष्ण भगवान के आशीर्वाद देते आंगन में बैठे हुए थे
गया में गए और गया में ईश्वर परिवार के साथ मिले और उनसे दीक्षा मंत्र आदि और आकर के निमाई बिल्कुल चंचलता छोड़ दिया। पहले चंचल थे, बात बात में लोगों के साथ तर्क वृत्ति आदि करते थे, शास्त्र आदि लेकर के खंडन विखंड करते थे, स्वयं शास्त्र की स्थापना करते थे और फिर उसको खंडन करते थे और फिर उसको खंडन मंडन ऐसे करना शुरू करते। पंडित लोग तो ऐसे करते, पंडित के काम क्या है और कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह चैतन्य महाप्रभु का जीवन विद्या विराज, किंतु ईश्वर कृपा से मिलने के पश्चात वो निवान पंडित निवान नहीं रहे, वो क्या बन गया, भावुक निवान, सदा सर्वदा भाव में डूबे रहते। विद्यार्थी को कहा आज से मैं आप लोग की पढ़ाऊंगी, जो पढ़ना है एक ही पढ़ो है? बस केवल धातु पढ़ो, बस धातु के कृष्ण नाम है। जैसे शरीर में धातु नहीं रहने पर शरीर दुर्बल हो जाता है, छीन हो जाता है, उसी प्रकार धातु के है कृष्ण धातु, कृष्ण धातु है जो आकर्षण करेगा, कृष्ण नाम बस इतने। और बेसिक और अधिक किसी को यदि पढ़ना है तो दूसरे पंडित के पास जाओ। महाप्रभु केवल समस्त भक्ति करने लगे, केवल हरिनाम करो, बलि करे नाम बिना नहीं है यार धर्म सर्व शास्त्र यही सार मानो, कलि काल में और कोई धर्म नहीं और कोई शास्त्र नहीं है, समस्त शास्त्र की सार क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कलु नास्ति वो नास्ति वो नास्ति वो व्यक्ति भावुक नहीं है ना, महाप्रभु निवाय ना खाते ना पीते ना सोते। तो कुछ माताएं कहने लगी उनको क्या हो गया, वायु रोग हो गया, पेट में अधिक वायु है तो नींद नहीं आए, तो इसलिए इनके क्या हो गया, वायु रोग हो गया। श्रीवास ठाकुर वहीं पर बैठे हुए थे, श्रीवास ठाकुर कहने लगे नहीं माता निमाई की वायु रोग नहीं, ये तो कृष्ण प्रेम अमूल्य प्रेम धन को प्राप्त किया है और प्रेम धन प्राप्त करने से ये समस्त लक्षण दिखाई पड़े। महाप्रभु वहीं पर बैठे हुए थे, महाप्रभु सुन रहे थे कुछ नहीं बोले। फिर जब माताएं जब चले गई और श्रीवास ठाकुर एकांत में महाप्रभु से मिले, महाप्रभु स्वयं कह रहे श्रीवास तुमने आज मेरा प्राण को बचाया, क्यों ये तुम भी माताओं के भांति कहा देते, ये इनके हृदय में इनके पेड़ में क्या हो गया, वायु हो गया तो मैं प्राण छोड़ दूंगा गंगा में जाकर के। जादवाय माधवाय केशवाय
अंतर और बाहर में
अंदर और बाहर में श्री हरि तपस्या की अनंतर वही जुड़ी हुई तपस्या की, जिसके अंतर बाहर में हरी नहीं है और तपस्या के फल कुछ नहीं। तपस्या किसे कहा जाता है? शरीर को कष्ट देने के नाम तपस्या कहा जाता है। तपस्या कष्ट देने, शरीर के कष्ट देने से भगवान थोड़ी मिल जाता है, भगवान के भजन से मिलता है। बिना फिर से नहीं मिले नंदलाल है, फल मूल खाते हुए मिले तो कितने बंदर बंदराई है, वृंदावन में बंदर है। आज के वृंदावन के बंदर तो फल ही नहीं लेते, वो क्या मानते मानते देखे ना कृष्ण प्रिया उसके चश्मा लेंगे मिठाई दिए भाई, वो मिठाई दिए और वो कहां से फूटी लेकर जाए और वो एक हाथ में ले लिया और दूसरी हाथ में कर सकते, पता नहीं कैसे सीखना है वृंदावन के। देखो महिमा वृंदावन के, वही वृंदावन के बंदर की महिमा क्या बंदर निकले ये कहते हैं आरा फल मूल खा के हरी मिले तो कितने बंदर बंदरा, दूध पी के हरी मिले तो कितने बछड़ा है। तो ये सब तो मेरा कहे बिना पेड़ से नहीं मिले नंदलाला है। यदि आप हरी भजन नहीं करें और हृदय में यदि प्रेम नहीं हो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाप्रभु ने यह शिक्षा दी है। हाँ हम लोग तपस्या क्या है, कली जी में तपस्या एकादशी व्रत आदि करना यही तपस्या, इतना ही कर ले तो बहुत अच्छा ही हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। निश्चिम चतुर्दशी के दिन है निर्जला व्रत होता है कि नहीं होता है, पांडव निर्जला व्रत होता है जेठ महीने है। तो कहते यही हमारी तपस्या, कली जी में तपस्या की कोई जरूरत नहीं। महापुरुष कहते अकंठ पुरिया करो भज, अकंठ पुरिया करो प्रसाद सेवा, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, प्रसाद ग्रहण करो कहां तक है ना, किंतु मूल क्या है नाम संकीर्तन करो। अनेक कथाएं हैं समय में महाप्रभु और मिला श्रीवास ठाकुर के, देखो विश्व के व्यास पूजा के समय आषाढ़ी पूर्णिमा व्यास पूजा के समय स्वयं महाप्रभु नित्यानंद के कहने लगे, नित्यानंद सुनो श्रीपाद काली हवे वैसे रोटी घर, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के श्रीपाद कह करके पुकार करते थे, सुनो श्रीपाद काली हवे वैसे रो पूजन, काल हम व्यास पूजा करेंगे कृष्ण दुर्ग ने जो व्यास के आविर्भाव हुए आषाढ़ी पूर्णिमा ने व्यास पूजा करेंगे। किसके घर में व्यास पूजा करेंगे, कहां करेंगे? तो उसमें नित्यानंद प्रभु इस श्रीवास ठाकुर के हाथ लेकर के महाप्रभु की समर्पित कर दिया। महाप्रभु कारण के श्रीवास तो गरीब ब्राह्मण है, इतने लोग आएंगे खाना पीना दस तक कैसे कर पाएंगे। देखो श्रीवास ठाकुर बहुत दीन ही होकर के महाप्रभु के चरण पर रहने लगे, प्रभु ये सेवा मुझे प्रदान कर। जहां पर लक्ष्मीपति सिंह भगवान विराजमान है वहां पर कौन हो सकता है? मतलब श्रीवास जी के गृह में श्रीमान महाप्रभु कई बार व्यास पूजा देने कृष्ण देवयान वेद व्यास की पूजा प्रारंभ हो, और उसमें दिखा नित्यानंद प्रभु क्या दिखा, ये मूल व्यास कौन है, है? चैतन्य महाकृष्ण बंदे जय गुरु महाप्रभु करेंगे श्रीपाद तुम पहले व्यास जी के मामला अर्पण करो, पुष्प मामला भी अर्पण करो है, और नित्यानंद प्रभु वो माला लेकर के खड़े हैं कुल के मामला महाप्रभु के महाप्रभु कहने लगे समय उसकी लाई देते जा रही है, और महाप्रभु कह रहे नित्यानंद कह रहे हाय 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 मैं दे रहा हूं। महाप्रभु बार बार कहने पर नित्यानंद प्रभु ने वो माला चैतन्य महाप्रभु के गले में डाल, क्यों न मूल व्यास सैन कृष्ण कृष्ण बंदे जगत गुरु है, मूल गुरु कौन है कृष्ण,
इसलिए हम लोग गुरु परंपरा में किसके नाम आ जाता है, विष्णु ही के चतुर्मुख हम कृष्ण सेवन हो ब्रह्मा ही के नारद विरमति मूल व्यास जी है स्वयं भगवान कृष्ण गुरु तत्व अखंड गुरु तत्व अरे कृष्ण उनके प्रकाश विग्रह बौद्धिक तत्व चैतन्य भागवत में किस्मत वर्णन कर और भी बहुत कथाएं हैं समय तो हो गया है और जाने भी बहुत कथा है कैसे हाँ और एक कथा कर मैं समाप्त कर देता हूँ। ये श्रीवास्तव की महिमा क्या वर्णन करे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास्तव के गृह में नाम संकीर्तन कर रहे थे और उसी रात्रि में श्रीवास्तव ठाकुर जी के पुत्र कनिष्ठ पुत्र जो आधी रात में ज्ञान कर हो गए चरित छोड़ दिए और दूसरी कक्षा में माताएं स्त्रियां रो रही थी और पास में निकट गृह में चैतन्य महाप्रभु भक्त के साथ नाम संकीर्तन कर रही थी। श्रीवास ठाकुर वो नाम संकीर्तन छोड़ करके आगे के माताएं की संतना देने लगे, देखो तुम लोग यदि ऐसे रोते रहो तो महाप्रभु के कीर्तन में बाधा है, ऐसे महाप्रभु के कीर्तन में बाधा आने पर मैं प्रीत हो इस प्रकार श्रीवास ठाकुर माता के संतान। फिर श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के नाम संकीर्तन में जो कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर कहने लगे, श्रीवास तुम्हारे गृह में आज कुछ अमंगल कुछ हुआ, कुछ हो गए थे किंतु देखो श्रीवास ठाकुर क्या कहने लगे, प्रभु जहां पर आप नाम संकीर्तन करें स्वयं नाम पुरुष और नाम करें वह पर अमंगल कैसे हो। तथापि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान सर्व अंतर जान करेंगे, श्रीवास तुम छिपा मत कुछ न कुछ हुआ तुम्हारी घर में। बस उस समय श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण पकड़ करके रोने लगे, कहने लगे प्रभु आज मध्य रात्रि में मेरा छोटा पुत्र जो है ध्यान करो, महापुरुष संग रोने लगे, महापुरुष करने लगे श्रीवास तुम्हारे पुत्र चले गए है ना, तुम मुझे समाचार दिया ना तुम गए। देखो श्रीवास ठाकुर महापुरुष कैसे सिंहपति अधिकार फिर चैतन्य महापुरुष स्वयं उस पक्ष में गए जहां पर मृत पुत्र स्वयं महाप्रभु उनके छाती पर हाथ रखा और उनको आत्मा के बुलाए, फिर उनके द्वारा शिक्षा दी। बालक कहने लगे प्रभु क्यों मुझे बुलाए, आपकी इच्छा से मेरा जन्म और आपकी इच्छा से मेरा मृत्यु संसार में उसी प्रकार इस संसार में सब हम एकत्रित कैसे होते हैं भगवत इच्छा से और फिर भगवत इच्छा से हम सब बिछोड़ जाते हैं। संसार में जब हम एकत्रित हो जाते हैं तब एक दूसरे के संबंध जोड़ लेते हैं पर समय आने पर सब अपने आप हम बिछोड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत को उदाहरण दे रहे एक कुछ घास जो है अच्छा नदी के जल में उसको छोड़ दीजिए कुछ समय के एक साथ ही सब चले तैरते रहे स्रोत में चले रहे और कुछ समय के बाद फिर वो बिखर जाते कोई आगे जाते कोई पीछे जाते चले जाते कोई पता ही नहीं। ठीक उसी प्रकार के संसार के जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होकर के एक दूसरे का संबंध जोड़ लेते हैं, ये मेरा मां है ये मेरा पिता है भाई है बंधु है अनेक प्रकार संबंध हम जोड़ लेते हैं और उसमें आसक्ति बंध लेते हैं किंतु समय आने पर सब हम बिछुड़ करके चले जाते
एक वृक्ष समान नाना पक्षी विहंगम प्रातः काल संध्या के समय आपने देखे शाम के समय एक ही वृक्ष में अनेक पक्षी आकर के घोंसला बना लेते रहते हैं, सारी रात किच 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 करते रहते हैं, रोज में सूर्य मिला के रहते हैं और प्रातः काल में फिर कहां कहां चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जी हम लोग सब एकत्रित हो जाते हैं है? और कर्म के अनुसार से हम छोड़ जाते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य यही है, संत चैतन्य महाप्रभु शिवास जी के मित्र पुत्र के द्वारा जगत लोगों की शिक्षा दी है, धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार जो कुछ भी हम मिलते हैं कर्म के अनुसार, और कर्म अगर समाप्त हो जाते हैं फिर हम एक दूसरे से छोड़ करके चले जाते हैं, एक दूसरे दूसरी जगह में हमें जन्म हो जाता है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के मित्रपुत्र के द्वारा जगत जीवों की शिक्षा दी है, ये समस्त अनेक कथा है और श्रीवास जी के और जितने भी बोले वर्णन समाप्त नहीं हो सकता है। देखो एक चापाल गोपाल था दुष्ट था, श्रीवास जी के ऊपर वो लंचन लगाया, ये श्रीवास जी ये केवल घर में नाम संकीर्तन करते हैं, ये नाम संकीर्तन करते नहीं है, देवी पूजा आदि करते जाते हैं, तंत्र मंत्र आदि के द्वारा देवी आदि के बुलाते हैं और क्या क्या काम आदि करते जाते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीवास ठाकुर की गृह के सामने आंगन के सामने देवी पूजा की जो है सामग्री है वो रख दिया है और लोगों के कहने लगे देखो श्रीवास रात भोर है देवी पूजा आदि करते रहते, प्रातः काल में श्रीवास ठाकुर उठे और उनके दरवाजा खुला, दरवाजा के सामने देवी पूजा के सामग्री थी, श्रीवास ठाकुर लोगों के बुला करके है घरवार के बुला करके साफ कराए। महाप्रभु जब इस कथा को सुने महाप्रभु ने उनको चापाल क्या नाम था गोपाल चापाल है उनको महाप्रभु ने क्या दिया उनके दंड दे तुम्हारे गलित पुष्प हो और देखते देखते उनके सारे शरीर गल गए और उनके घर के लोग उनके घर से बाहर निकल गया, शरीर से इतने दुर्गंध होने लगे और गंगा के तट पर जाकर पड़े रहे और महाप्रभु नित्य प्रत्यह जब गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और वो महाप्रभु के देख करके रोते थे, कहते थे कि आप मुझे क्षमा कर दो। महाप्रभु ने क्या कहा दुष्ट दुराचार श्रीवास कैसे शुद्ध भक्त है और तुमने श्रीवास ठाकुर के बारे में तुमने ऐसे निंदा आदि की है, एक जन्म में इस केवल के इसी जन्म में गलित पुष्ट दे दिया इसके पश्चात में नरक में डाल दिया, फिर अनंत काल के नरक फिर तुमने दम दे दिया। वो रोते थे कभी प्रभु मुझे क्षमा कर दो, सचिदानंद दूर हुए संन्यास लेने के पश्चात जब पुनः जब पधारे है उनको भी कृपा, इसमें तो बहुत कुछ वर्णन है श्रीवास ठाकुर की महिमा के है, अर्थात कोई शुद्ध भक्त यदि श्रीवास ठाकुर के ऊपर कोई उंगली उठाए महापुरुष सहन कर नहीं पाते हो जाए, इसलिए कभी भक्त की हम निंदा न करें, भक्त निंदा प्रभु को भी सहित ना पाए, जो भक्त के निंदा करते हैं महाप्रभु का सहन नहीं कर सकता। इस समय तो बहुत वर्णन है, आज श्रीवास ठाकुर की आशीर्वाद दीती है इसलिए श्रीवास जी के चरण में हम बार बार प्रणाम करते हैं, ऐसे महाप्रभु के प्रति प्रकार प्रेम प्रति हो है यही हम प्रार्थना करते हैं, श्रीवास ठाकुर हमें कृपा करें जन्म जन्मांतर में जाकर के श्रीवास ठाकुर की भांति महाप्रभु के प्रति प्रकार हमारे प्रेम हो। मंचा करो श्रीवास सिंधु देव चल बदिदा बावड़े भो वैष्णवे भो जय श्रीवास ठाकुर की जय।